Hello guys, welcome to my YouTube channel Fine Touch Biology. Guys, ये light process chapter से हमारा fourth lecture है, जिसमें हम mechanism of photosynthesis की बात करेंगे कि जो photosynthesis process है, असल में उस process में होता क्या है। तो ये जो process है, वो two reactions में complete होती है। Light reaction, इसको हम Hill reaction के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये reaction लाइट पर डिपेंड करती है, यानी कि सिर्फ दिन के टाइम में होगी। दूसरी है बेटा डार्क रिएक्शन, जिसको हम ब्लैक मैन्स रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन नाइट में होगी, इसका लाइट से कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लाइट रिएक्शन को, हिल रिएक्शन में क्या क्या होता है। लाइट रिएक्शन बेटा हिल रिएक्शन के नाम से जानी जा रही है। लाइट डिपेंडेंट है, यानी कि इसके लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, अकर इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इन क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, ये बेटा वहां पर देखी जाती है। अगर मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताऊं, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर एक तो हमको जेल जैसी स्ट्रक्चर नजर आती है बेटा। इस जेल जैसी स्ट्रक्चर को या मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और इसके अंदर हमको इस तरीके से सिक्कों की ढेरी के जैसा, किसके जैसा बेटा, सिक्कों की, जैसे सिक्कों की ढेरी। अगर नहीं समझ में आ रही किसी को, तो वो इस तरीके से समझे, जैसे आप मेरी फिंगर्स को देख रहे हैं, मेरी फिंगर्स एक के ऊपर एक नजर आ रही है। ठीक इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको इसी मेरी फिंगर की जैसी स्ट्रक्चर में नजर आती है। ठीक है, इस पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेना। और इसकी एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलेंगे बेटा, थाइलेकोइड बोलेंगे। तो ये जो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन में, इसी थाइलेकोइड में क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट रहता है, और यहीं से थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट है एटीपी एंड NADPH2R फॉर्म, यानी कि लाइट प्रोसेस में बेटा दो केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एटीपी और एक NADPH2। एटीपी और NADPH2 ये दोनों जो है वो डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जब डार्क रिएक्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, वो रिड्यूस होगा, तो उस टाइम पर एनर्जी सन से अवेलेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन है, नाइट में होगा, तो वहां पर ये दोनों जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व रहेंगी। इसी वजह से हमने इसको, साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया, इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज, यानी कि सनलाइट की हेल्प से हमने दो केमिकल का फॉर्मेशन किया, एक एटीपी और दूसरा एनएडीपीएच, जो एनर्जी की फॉर्म में देखे जाते हैं। तो अगले स्टेप में बेटा गाइस जो है, हम वो डार्क रिएक्शन की बात ना करके हम अभी लाइट रिएक्शन के ही कुछ पॉइंट है, उनकी बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारी लाइट रिएक्शन थी, उस रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन में बेटा जो है वो टू रिएक्शंस हमको दिखाई देती हैं। पहली रिएक्शन तो होती है हमारी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक, और दूसरा होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सनलाइट की वजह से, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है।
यानी कि फोटोलाइसिस का मतलब है कि सनलाइट की हेल्प से, फोटो मींस सनलाइट की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल को लाइसिस मींस तोड़ना, यानी कि इस स्टेप में लाइट रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है बेटा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले स्टेप में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है, इसलिए हम इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, अ रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑक्सीजन है वो तो उन्होंने बाहर लिबरेट कर दिया, जिसको अदर ऑर्गेनिज्म है वो अपने ब्रीथिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फोर इलेक्ट्रॉन है, इन फोर इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाएगा एटीपी फॉर्मेशन में, वहां पर एडीपी होगा और उसके साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाएगा, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी कि जहां दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल थे वहां पर हमको तीसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ना है प्लस एनर्जी की हेल्प से, तो हमारा बनता है एटीपी। ये वो करेंसी है एनर्जी की जो सबसे हाई लेवल पर देखी जाती है, और जब एडीपी से फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, जब एडीपी से फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो फोर इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉन को यूज करके एडीपी की एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि इसी एनर्जी को डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा। एक तो यहां पे ये पॉइंट हुआ, और जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं गाइस, वो हाइड्रोजन जो है एक और हमारे पास केमिकल कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं एनएडीपी, जो हमारा एनएडीपी है इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और जब इससे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन थे जब इससे ऐड होते, तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए क्या होगा, हमको दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐड करके NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फोटोलाइसिस जो फर्स्ट स्टेप था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, उस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हमने क्या देखा कि एक तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो गई, साथ ही साथ मैंने सेकंड स्टेप बताया था फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और उस फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को मैंने यहां पर शो कर दिया है बेटा। तो देखे क्या कि एडीपी से फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया गया एनर्जी की हेल्प से, और वो एनर्जी कहां से मिली, यहां से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, और ये इलेक्ट्रॉन ने एडीपी को एनर्जी प्रोवाइड किया फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने के लिए, तो एटीपी बन गया। नेक्स्ट है हमारा एनएडीपी, ये भी एक केमिकल एनर्जी है, इसको भी स्टोर किया जाएगा, क्योंकि जब डार्क रिएक्शन होगी, जो मैं पहले बता चुका हूं, जो डार्क रिएक्शन होगी वहां पर इसी एनर्जी, इस एनर्जी का भी यूज किया जाता है। तो यहां पर दो हाइड्रोजन इनको दे दिए जाते हैं, NADPH2 बन जाता है। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना, जिसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्या कहेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन। और एनएडीपी से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि वो रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक, तो ये हमारे पास दो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, किसके साथ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारी लाइट रिएक्शन थी वहां दो स्टेप हुए। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पहला स्टेप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा गया, ये आपसे छोटी डेफिनेशन के फॉर्म में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या ये पूछ सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो कहां से होती है, तो हम बताएंगे कहां से होती है बेटा, वाटर से होती है। फिर उस दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुई या हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन जो थे वो
एनएडीपी में यूज हो गए, यानी कि एनएडीपी का उन्होंने रिडक्शन कर दिया। जाहिर सी बात है, जब इसका यूज करेंगे तो हाइड्रोजन हटेंगे, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, उसका इस्तेमाल ब्लैक यानी जो डार्क रिएक्शन है वहां किया जाएगा, और इसी तरीके से एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर हमने जो लाइट रिएक्शन थी उसके दोनों फेजेस के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डार्क रिएक्शन की, यानी कि ब्लैक मैन्स रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी ये रिएक्शन आपकी लाइट इन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है हमारी वो इट अकर इन स्ट्रोमा। इससे पहले मैंने क्लोरोफिल का एक डायग्राम, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है और इसमें एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, यानी जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन जो है वो कहां पर होगी? स्ट्रोमा में होगी, ठीक है, जो क्लोरोफिल का ही, जो क्लोरोप्लास्ट का ही इंटरनल लिक्विड माना जाता है, और यहीं पर हमारी जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में बनी हुई जो दो एनर्जीज थी, दो एनर्जीज कौन कौन सी? इन दिस रिएक्शन एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एनएडीपीएच2 निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज रिड्यूस इन ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में या कहें तो कार्बोहाइड्रेट में, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। बायोसिंथेटिक क्यों कहा गया? बायो मींस लिविंग में, सिंथेटिक मींस यानी कि वहां पर सिंथेसिस किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि डार्क रिएक्शन में लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट के ऊपर कोई डिपेंड नहीं रहती, यहां पे जो सारी एनर्जी है वो एटीपी और एनएडीपी H2 अवेलेबल कराते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट्स में देखी जाती है, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इस पूरी प्रोसेस को कॉमनली हम जो है known as Kelvin cycle, इसको हम Kelvin cycle के नाम से जानते हैं। और ये जो रिएक्शन है हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंजाइम पर डिपेंड रहती है, और इस पूरी प्रोसेस में एटीपी एनएडीपी H2 इनका इन्वॉल्वेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि नाइट में ये रिएक्शन हो रही है। अब अगर इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि डार्क रिएक्शन को, अगर हम एक इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसमें हम लिखते हैं बेटा 6CO2, ओके, कितने CO2? 6CO2, उसके साथ हमने 6H2O लिए, 6CO2, 6H2O, उसके साथ फिर हमने 18 ATP मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन में तैयार हुए थे, उसी के साथ हमने 12 NADPH2 का यूज किया, और उससे हमारे लिए C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, प्लस का साइन 12H2O बने, प्लस 18 ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी कि जो 18 ATP थे उन्होंने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जो था
अलग किया, उसमें एनर्जी रिलीज हुआ, तो वो एनर्जी यहां यूज किया गया, 18 एडीपी बना। साथ ही साथ जो हमारे 12 NADPH2 थे वो NADP में चेंज हो गए। तो जो हाइड्रोजन थे वो इनके कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरीके से हमारी फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म पूरी हुआ। एक बार मैं इसकी समरी को, पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूँ। फोटोसिंथेसिस जो मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट पे डिपेंड होती है और ये क्लोरोप्लास्ट के थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है या ग्रेनम पार्ट में देखी जाती है। इसमें भी दो फेज है गाइज, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को सनलाइट की हेल्प से ब्रेकअप यानी ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, इसलिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, और वहां से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। दूसरी होती है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में हमने किस किस को बनाया था, एटीपी और NADPH2 को बनाया था, ठीक। फिर होती है हमारी डार्क रिएक्शन, ये नाइट में होगी, इसे ब्लैक मैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये एंजाइमेटिक लाइट इंडिपेंडेंट एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी अंधेरे में होगी एंजाइम की हेल्प से, और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में यानी जेल लाइक पार्ट में देखी जाती है। इसका लाइट से कोई रिलेशन नहीं होता, हाँ सिर्फ ये लाइट में बनी एनर्जी को यूज करेगा, ठीक है, यानी डिपेंड करेगा उसके ऊपर, ठीक है वहां, इसलिए हम इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। और यहां पर हमारे एटीपी और एनएडीपीएच दोनों यूज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में, जिससे हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, यानी कि हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारा आज फोटोसिंथेसिस जो था प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स हैं वो मेरे से कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।